अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया था, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। आज एक साल पूरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरी खुशी का अवसर है। एक तरफ जहां आर्टिकल 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ मना रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ है उसकी भी खुशी प्रकट कर रही है। और आपको लिए चलते हैं सीधा जम्मू कश्मीर, खासतौर पे कश्मीर घाटी में। आप देखिए कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो स्थानीय पार्टी का कार्यालय है वहां पर इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है और एक उत्सव मनाया है। और अनंतनाग में तो जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जाकर बिल्कुल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। और देखिए, एक जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही कि एक देश एक विधान एक ध्वज होना चाहिए, वो सपना साकार हुआ है। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कश्मीर में खुशियां मना रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, पूरा देश आज सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि आज के दिन ही एक विधान एक प्रधान और एक निशान जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया का जो सपना था एक बार श्रेष्ठ भारत, वो आज के दिन ही पूरा हो गया। देखिए, पिछले 19 जो जब से ये अबर्गेशन ऑफ 370 हुआ तब तक हमेशा देखा गया था कि मुल्क और जो जम्मू कश्मीर की रियासत है कहीं ना कहीं ये एक नफरत की दीवार इसके बीच में थी जो इसको डिवाइड कर रही थी, और ये कैसे पॉसिबल है विद इन अ कंट्री आप सब कंट्री बना रहे हैं और आप एक मुल्क में दो झंडे लहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सा यही स्लोगन था कि एक मुल्क है एक झंडा, एक विधान एक प्रधान और एक निशान। आज हम सेलिब्रेशन इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 1947 में मानते हैं हम जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से भारत में हुआ था, लेकिन 5 अगस्त को पूरी तरह से इसका विलय हो गया। जो अलगावाद की धारणा या जो कुछ लोग 370 को हालो स्लोगन लेकर कहीं भी सेल्फ रूल, कभी आज़ादी और कभी अटॉनमी की बात कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये समझ आ गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। और 370 के होते हुए यहाँ जो प्रॉब्लम्स थी वो आज सब हर कोई जानता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमेशा यहाँ रहती थी। आज देखिए, एनकाउंटर जहाँ भी होता था पहले एनकाउंटर साइड पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, और आज के डेट में जहाँ जहाँ स्टोन पेल्टिंग कहीं एनकाउंटर होता है वहाँ स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, और एक कॉमन बात बन गई थी कश्मीर के हर गली कोचे में स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब जहाँ भी एनकाउंटर साइट हो कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, गली कोचों में स्टोन पेल्टिंग नहीं। और एक खास बड़ी बात जो डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्यान दिया है, आप देखिए पिछले साल 25 फरवरी को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ आता है, 8-8 मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, किशन रेड्डी, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे दिग्गज नेता यहाँ आते हैं, और वो बैक टू ब्लॉक उसका नाम रखा गया था ताकि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, विकास हो, एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों, और यहाँ से जाके वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पर एक काउंसिल बनाते हैं जिसमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और उसमें एक रोड मैप तैयार किया जाता है कैसे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और डेवलपमेंट दें। लेकिन बदकिस्मती से कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और भारत में भी ये फैल गया, इस वजह से थोड़ी स्लो इसकी रही, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं। और कल ही देखिए, हिस्ट्री में पहली बार BDC के इलेक्शन होना, 17 साल बाद पंचायत इलेक्शन होना, और कल जो बहुत बड़ा गिफ्ट 5 अगस्त को गवर्नर साहब ने हमें दे दिया है कि एक BDC चेयरपर्सन जिसको CDF फंड 25 लाख दे दिए गए। इस बात की अक्कासी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, और यहाँ जो है लोगों को वो चाहती है कि यहाँ अमन रहे, खुशहाली रहे, और यहाँ के लोग भी दूसरी रियासतों की तरह खुशहाल रहे। देखिए, 5 अगस्त को ही 370 और 35A को हटाया गया और हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, इसलिए था कि यहाँ पे अमन, तरक्की, खुशहाली, और पूरे हिंदुस्तान भर में यही तो एक बात थी कि हम चाहते थे कि हमारी पार्टी चाहती थी कि यहाँ के नौजवानों को वो अवसर मिले जो पूरे देश में हर एक नौजवान को मिल रहे हैं। जैसे आज आपने कल भी देखा कि IAS में हमारे 10 या 12 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, मकसद तो यही हमारी पार्टी का है। और सबसे बड़ी बात है जो अमन की बात है,
रही फिर यूनियन टेरिटरी पे कुछ लोग हमारे आवाज़ उठा रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी हो गई, लेकिन जिस दिन ये फैसला हुआ उसी दिन हमारे गृह मंत्री जी ने ये भी बताया साथ साथ कि हम आपके यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेट का दर्जा दे देंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि अब कोविड का मसला हो गया, तरक्की तो हो रही है लेकिन कोविड की वजह से हम बहुत परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, ये नहीं है कि सिर्फ रियासत हमारी जे एंड के ही परेशान है। रही बात कि आज के जश्न का, कि आज के जश्न का ये है हमारी पार्टी का मकसद कि आज हम पूरे हिंदुस्तान के साथ एक ही झंडे के तले एक पूरी जो हमारी आवाज़ थी वो एक है। देखिए पिछले साल 5 अगस्त आज ही के दिन जो हमें आज़ादी मिली है 370 से, उस आज़ादी को आज हम ये जश्न के तौर पे मना रहे हैं कि ये जो 370 के आड़ में यहाँ के सियासतदान कुछ फैमिलीज़ राजनीति कर रहे थे, उस चीज़ से हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने हमें इस चीज़ से आज़ादी दे दी। बड़े हम खुश हैं, बड़े खुशी महसूस कर रहे हैं। देखिए आज कर्फ्यू भी रखा गया, सिविल कर्फ्यू भी रखा गया, हमारे कार्यकर्ता देखिए जोश खरोश से, भारतीय जनता पार्टी के अभी ऑफिस में है हम तो पूरे जोश खरोश से हम ये जश्न मना रहे हैं। देखिए जहाँ तक 5 अगस्त का सवाल है, पिछले साल इसी दिन और इसी वक्त एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि जो मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर स्टेट को जोड़ना था वो जो बैरियर सामने आ रहा था उसको हटाया गया। तो आपको पता है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो पावर है वो अब आम हाथों में आना चाहिए, जिसमें आपने देखा पंचायती राज इलेक्शंस हो गए यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो गए, यहाँ पर जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके इलेक्शन करवाए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट 70 सालों से जिन्होंने यहाँ सरकारें चलाई, खानदानी राज चलाए, 70 सालों से उन्होंने कश्मीर को लूटा, अब एक कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो किस तरीके से हो। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी एक सपना देखा था, ख्वाब था, एक प्रधान एक निशान और एक संविधान, जिसको भाजपा ने मुझे लगता है पिछले साल इसी दिन साकार किया। और मुझे लगता है कि एक बैरिकेड था और हमेशा जो हमारे हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं उनका मानना था कि अगर हमें जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा के साथ जोड़ना है तो इस बैरिकेड को हटाना पड़ेगा। तो आज हमारे कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर में जोशों खरोश से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे 2-3 सालों में एक नया कश्मीर और नया कश्मीर के साथ नया नौजवानों को नया ख्वाब। तारीख में ये सबसे अहम दिन मनाया जाएगा जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वजीर दाखला श्री अमित शाह जी ने रियासत के हक में ये फैसला लिया, जिसने ये रियासत के हक में फैसला लिया। बीजेपी तब भी इस फैसले के साथ थी और आज भी दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद रियासती बेटियों को अपना हक दिया गया, जबकि बेरोजगारी तैलीम व तरक्की के रास्ते खोले गए। और बीजेपी कश्मीर इस कदम की सराहना करता है और बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी एक ही एजेंडे पर इसने काम किया है, वो है एक प्रधान एक निशान एक विधान। जय हिंद जय भारत।